नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस पेपर फर्स्ट है बच्चों, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। जी हाँ बच्चों, जैसा इसमें बताया गया है, रट लो, प्रश्न यहीं से आएंगे, अवश्य ही प्रश्न यहीं से ही आएंगे, क्योंकि जो प्रश्न आज आप सबके वीडियो में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से कई शॉर्ट आंसर भी बनते हैं। अगर आपके पेपर में कई लॉन्ग आंसर आ जाते हैं तो इन प्रश्नों को आपको शामिल करना पड़ता है आपके फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में। तो बच्चों कह सकते हैं यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप उपचारात्मक आहार के बारे में जानेंगे, ऐसे आहार जो आहार आप सब कई प्रकार से इन आहारों को जानते आ रहे हैं, जैसे डाइट इन रिलेशन टू डिजीज़, जो बीमारियों से संबंधित आहार दिए जाते हैं, बीमारियों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उस की देख रेख के लिए जो आहार आयोजन किए जाते हैं, इन सभी आहारों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों ये वीडियो बहुत ख़ास है, तो इसे शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्या है बच्चों। सबसे पहला हमारा साधारण आहार का उपचारात्मक आहार में परिवर्तन होना। मान लो आपके पास साधारण आहार है और उसे उपचारात्मक आहार के रूप में परिवर्तन करना है, तो आप किस प्रकार से इन्हीं साधारण आहारों को उपचारात्मक आहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या है। सामान्य आहार में अग्रलिखित परिवर्तन करके उसे उपचारात्मक आहार बनाया जा सकता है। कई प्रकार के परिवर्तन करके ही तभी उपचारात्मक आहार बनाया जा सकता है। सबसे फर्स्ट है आहार में विशिष्ट भोज्य पदार्थों को वर्जित करना अथवा सम्मिलित करना। जो विशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें वर्जित करना चाहिए और उन्हें सम्मिलित करना चाहिए, जैसे कि रोग के अनुसार आहार में कुछ भोज्य पदार्थों को हटाकर, जैसे जिसका जो रोग है उसी के अनुसार ही कुछ जो भोज्य पदार्थ होते हैं वर्जित होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और आहार में शामिल करके आहार का आयोजन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यकृत रोग में वसा का उपयोग और मधुमेह रोग में शर्करा का उपयोग वर्जित कर दिया जाता है। मधुमेह रोग में जैसे कि शुगर के पेशेंट को शुगर नहीं दी जाती है, चीनी नहीं दी जाती, तो वो चाय का तो उपयोग करेंगे, चाय उनके लिए भी उपयोगी होगी क्योंकि उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, दूध से बनती है, तो कह सकते हैं उपयोगी तो होगी ये, लेकिन अगर हम शक्कर को हटा देंगे तो। नेक्स्ट हमारा पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, कुछ रोगों में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन करके आहार का आयोजन किया जाता है। जैसे कुछ पोषक तत्वों की मात्रा कम, कुछ की अधिक अथवा न्यूनतम करना चाहे, जैसे अधिक प्रोटीन, अधिक कैलोरी, कम वसा एवं कम प्रोटीन एवं प्रोटीन रहित तथा वसा रहित आहार की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है हमारा बच्चों दो आहार आयोजन के अंतराल में परिवर्तन। जैसे दो टाइम आप आहार का आयोजन कर रही हैं, जैसे अभी आप कुछ दे रही हैं दोपहर के समय और शाम के समय कुछ देंगी, तो उसमें परिवर्तन करके भी क्या होता है उपचारात्मक आहार बनाया जा सकता है। जैसे कि देखते हैं क्या है, रोग की अवस्था में रोगी के असामान्य आहार, सॉरी बच्चों, सामान्य आहार में परिवर्तन दो आहार के मध्य के समय में अंतर करके भी किया जाता है। जैसे कि दो आहार के मध्य का समय अधिक कम या न्यून करके उपचार संभव होता है, जैसे कि डायरिया है और उपापचयन की स्थिति में 12 से 20 घंटे तक कुछ न देना चाहिए। जैसे किसी को डायरिया हो गया है तो उसे 12 से 20 घंटे तक अगर कुछ नहीं दे रही हैं तो उससे भी फायदा होगा, क्योंकि डायरिया की गंभीर स्थिति में रोगी को निर्जलीकरण से बचाने हेतु प्रत्येक एक या दो घंटे के अंतराल पर तरल आहार देते रहते हैं, जैसे खिचड़ी तरल आहार देते रहते हैं और उन्हें पेय पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है। और ट्यूब फीडिंग के में निरंतर ड्रिप भोजन देना चाहिए। पेप्टिक अल्सर में प्रति दो घंटे के अंतराल पर भोजन का समय निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बच्चों फोर नंबर है पोत अथवा बनावट में एक रूपता। कुछ रोगों में सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित करके एक करने हेतु उसके पोत और बनावट में बदलाव लाया जाता है, जैसे कि ठोस आहार है उसे कोमल आहार में, तरल आहार है पूर्ण तरल आहार है, इन सभी आहारों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे आप पेशेंट को उसी के अनुरूप दे सकते हैं, जिससे उसका क्या हो सके इलाज भी हो सके आहार के द्वारा। नेक्स्ट है रेशे युक्त पदार्थ द्वारा नियंत्रित करना। जैसे रेशे युक्त पदार्थों की बनावट द्वारा भी सामान्य आहार को उपचारात्मक आहार में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे डायरिया में रेशे रहित पदार्थों की अधिकता तथा कब्ज में रेशे रहित पदार्थों की अधिकता रहती है।
और आहार में गंध तथा स्वाद को विकसित करना अथवा हटाना। भोज्य पदार्थों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसमें विशेष गंध और स्वाद विशेष रूप से हट जाए, और जैसे रोगी को, जैसे रोग, मिर्गी आदि भी, मुर्गी है शायद, है ना बच्चों, मुर्गी आदि भी दिया जा सकता है। इस आहार को देने का प्रमुख उद्देश्य निश्चित कैलोरी ग्रहण करना तथा वजन पर नियंत्रण रखना। इस आहार की प्रमुख विशेषता होता है बच्चों क्या, कर्बोज कार्बोज के अतिरिक्त अन्य पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे बच्चों, अधिक कार्बोज युक्त आहार। जिस आहार में अधिक कार्बोज होता है उसे अधिक कार्बोज युक्त आहार कहते हैं। जी हाँ, जिसमें अधिक कार्बोज पाया जाता है उसी को हम अधिक कार्बोज युक्त आहार कहते हैं। यदि प्रश्न आ जाता है सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि अधिक कार्बोज युक्त आहार कौन से आहार होते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कि जिन जिन आहार में अधिक कार्बोज पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अधिक कार्बोज युक्त आहार कहते हैं। यह आहार यकृत के रोग, गुर्दे के रोग, शल्य क्रिया के पूर्व, गर्भावस्था की विषाक्तता, एडिशन की बीमारी की स्थिति में देना चाहिए। इस आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि बच्चों, यह आहार पर्याप्त ऊर्जा उत्पादक तत्व जो यकृत के ग्लाइकोजन संग्रह को बढ़ा सके प्रदान करने वाला होता है। नेक्स्ट हमारे बच्चों, कम रेशे युक्त आहार। जिस आहार में कम रेशे पाए जाते हैं उसे कम रेशे युक्त आहार कहा जाता है। और कम रेशे युक्त आहार जैसे अतिसार, पाचन संस्थान के विकार, शल्य क्रिया के बाद पेचिस है आदि रोगों में दिन में 3 बार देना चाहिए। इस आहार को देने का उद्देश्य होता है कि पाचन संस्थान को आराम पहुंचाना तथा कम रेशे युक्त आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये आहार मल के निर्माण के लिए, विशेष जो मल का निर्माण होता है उसके लिए रेशे नहीं छोड़ता है। समस्त पदार्थ जो होते हैं शोषित हो जाते हैं, इससे क्या होता है विटामिन तथा खनिज लवण की पूर्ति नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों, सोडियम रहित आहार। सोडियम रहित आहार में क्या होता है, जिस आहार में सोडियम नहीं पाया जाता है उसे सोडियम रहित आहार कहा जाता है। यह आहार रक्तचाप, गुर्दे में रोग, हृदय के रोग और सूजन, गर्भकाल की विषाक्तता आदि में दिया जाता है। इस आहार को देने का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों की सूजन कम करना। इस आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि नमक रहित भोजन देना। 500 मिलीग्राम तक सोडियम दिया जा सकता है और पर तीव्र स्थिति में 200 मिलीग्राम तक कम किया जा सकता है। अभी तक जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें बच्चों, आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये प्रश्न इतने ही महत्वपूर्ण है कि आपके पेपर में शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो ज़रूर पूरा वीडियो वॉच करें। नेक्स्ट हमारा बच्चों, रूपांतरित आहार के प्रमुख प्रकार। जो रूपांतरित आहार हैं उसके प्रमुख प्रकार हैं तो क्या है, नंबर वन है हमारा कम कैलोरी युक्त आहार। अब इसमें देखते हैं क्या है, कम कैलोरी युक्त आहार वो आहार होते हैं जो बच्चों, कम कैलोरी युक्त वह आहार होता है जिसमें कम कैलोरी पाई जाती है। जी हाँ, जाहिर सी बात है जिसमें कम कैलोरी पाई जाएगी उसी को हम कम कैलोरी युक्त आहार बोलेंगे। यह आहार विशेष रूप से मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा, गुर्दे के रोग, हृदय रोग, गठिया, पित्ताशय की बीमारी तथा ऑपरेशन से पूर्व दिया जाता है। इतनी सारी बीमारियों में क्या किया जाता है, कम कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है। तो इस आहार को देने का प्रमुख उद्देश्य चयापचय में सहायता करना तथा सामान्य वजन रखना। और कम कैलोरी युक्त आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है बच्चों कि इसमें कैलोरी की मात्रा पहले से निश्चित होती है, क्योंकि इस प्रकार का आहार जो होता है 1000 से 1200 से या 1500 कैलोरी तक का दिया जाता है। इस आहार में प्रोटीन 65 से 100 ग्राम तक होती है। नेक्स्ट हमारा अधिक कैलोरी युक्त आहार। जी हाँ, अधिक कैलोरी युक्त आहार में क्या होता है बच्चों, वह आहार होता है जिसमें कैलोरी की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह आहार बुखार, अपर्याप्त पोषण, थायराइड, ग्रंथि की सक्रियता और तीव्र बीमारी से सुधार की स्थिति में, कुपोषण में तथा भार बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अधिक कैलोरी युक्त आहार देने का उद्देश्य होता है बच्चों की चयापचय में मदद करना, भार समान रखना, भूख में वृद्धि करना। इस आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि यह तरल द्रव्य रूप में ही एक समय भोजन की मात्रा कम हो जाता है। इस आहार द्वारा 300 कैलोरी तक दी जाती है तथा शक्कर एवं मौसा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कम प्रोटीन युक्त आहार। कम प्रोटीन युक्त आहार वे आहार होते हैं जिनके कम प्रोटीन पाए जाते हैं। ये आहार गुर्दे के रोगी, बेहोशी अथवा हेपेटिक कोमा आदि रोगी को दिए जाते हैं।
और जो कम प्रोटीन युक्त आहार होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य यह होता है बच्चों कि यूरिया ना बन पाए, ऐसा इनका मेन मकसद होता है कि यूरिया ना बने। इस आहार की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इससे 20 से 40 ग्राम प्रोटीन होती है, नमक रहित और नरम भोजन होता है तथा पोटेशियम रहित भोजन और अधिक कार्बोज होती है। नेक्स्ट है अधिक प्रोटीन युक्त आहार। जिस आहार में अधिक प्रोटीन पाया जाता है उसे ही हम अधिक प्रोटीन युक्त आहार कह सकते हैं। अधिक प्रोटीन युक्त आहार प्रोटीन की कमी, रक्ताल्पता, गुर्दे तथा यकृत रोग, चोट लग जाना, जल जाना, टीबी अथवा तीव्र ज्वर के समय BMR बढ़ जाने पर दिया जाता है। इस आहार का उद्देश्य होता है कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कण का निर्माण, वजन में वृद्धि आदि होती है। अधिक प्रोटीन युक्त आहार की विशेषता होती है कि 100 से 150 ग्राम तक प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा कम वसा युक्त आहार। जिस आहार में कम वसा होती है उसे हम कम वसा युक्त आहार कहा जाता है। कम वसा युक्त आहार पीलिया, मोटापा, यकृत के रोगी को दिया जाता है। इस प्रकार के आहार की विशेषता होती है कि इसी प्रकार के आहार में संतृप्त वसा अम्ल की मात्रा कम कर दी जाती है और सोयाबीन के तेल एवं बिनौले के साथ तेल के सेवन को बढ़ावा देना दिया जाता है। और कम कार्बोज युक्त आहार में क्या होता है, कम कार्बोज युक्त आहार उस आहार को कहा जाता है बालक बच्चों की जिसमें इंसुलिन, मोटापा, ये सब बीमारियां होती हैं जिसे कार्बोज कम होते हैं तो इससे क्या जो इंसुलिन के पेशेंट होते हैं अर्थात शुगर के पेशेंट होते हैं उनको बचाया भी जा सकता है। इस प्रकार कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आई होप आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद है हमारा रोग मिर्गी आदि में दिया जाता है कम कार्बोज युक्त आहार, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।